हेलो एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिल से। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ लौकी की सब्जी की। काफ़ी यूनिक स्टाइल में होगी, एकदम अलग टेस्ट आएगा। जिस तरीके से मैं बनाऊंगी और जिस तरीके से ये तड़का लगेगा इस सब्जी के लिए, वो बहुत ही यूनिक होगा और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा, इसको आप लंच या डिनर में बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी लौकी की सब्जी। इस सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज का लौकी। इसको अच्छे से, इसका छिलका उतार लिया है मैंने और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब इसको दो टुकड़े करेंगे, चूँकि इसको ग्रेट करना है। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर ले लिया है और इस बात का ध्यान रखें कि ये जो मोटे छेद वाला ग्रेटर होता है उस तरफ से इसको ग्रेट करें, तो इसका जो लच्छा बन के निकलेगा वो काफ़ी अच्छा देखने में लगेगा इस सब्जी जब बनेगी। तो मोटे छेद वाले के तरफ से इसको ग्रेट कर लें इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों टुकड़े को इसको ग्रेट कर लिया और इसका पानी वगैरह नहीं निकालना है, बस इसको ग्रेट करके और साइड में रख देंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो लौकी है ना, वो मतलब बीज वाली नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट लौकी होनी चाहिए। जो ताज़ा लौकी होती है जिसमें बीज नहीं होता है, वो लौकी लें तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो बस अब उसको साइड में मैंने रख दिया और नेक्स्ट कुकिंग प्रोसेस में एक कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा, हाई फ्लेम पे रखा कढ़ाई को पहले, और इसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे, कुकिंग ऑयल जो भी आप खाते हैं वो पसंद करते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं तेल। जैसे ही ये तेल गरम हुआ इसमें मैंने ऐड किया जीरा 1 चम्मच, राई उसके बाद काला सरसों मैंने ऐड किया 1/2 चम्मच, मैंने यहाँ पे मेथी दाना ऐड किया है। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन 1/2 चम्मच, उसके बाद 1/2 चम्मच इसमें कलौंजी ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस सब्जी का, तो ये तड़का इस तरीके से आप ज़रूर लगाएं। इसके बाद मैंने इसमें 2 लाल सूखी मिर्च को तोड़कर ऐड कर दिया और इन सबको अब अच्छे से हल्का सा सॉटे कर लेंगे, हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। लो फ्लेम रखें, यहाँ पर फ्लेम को लो कर दें और करीब 1 से भी कम मिनट के लिए इसको हल्का सा सॉटे कर लेंगे। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ये तड़का, फिर इसमें ऐड किया मैंने 1 प्याज बारीक कटा हुआ। इसको भी चला लेंगे अच्छे से और पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो आप देख सकते हैं करीब 1-2 मिनट के बाद यहाँ पे सॉफ्ट हो गया प्याज और इसका कलर भी चेंज हो गया, लाइट ब्राउन आ गया इसका कलर। तो इसमें आप क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये मैंने छोटी चम्मच से चूँकि ऐड किया इसलिए 2 चम्मच, अदरवाइज आप बड़े चम्मच से ऐड कर रहे हैं तो 1 ही चम्मच ऐड करें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी कुछ समय के लिए पका लेंगे लगातार चलाते हुए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पका लिया ये भी, और उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया 1 टमाटर की प्यूरी। तो ये प्यूरी जस्ट मैंने रॉ टमाटर को, कच्चा टमाटर को ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था, उसको मैंने ऐड किया। इसको भी अच्छे से पका लेंगे, ऐसे ही फ्लेम को मीडियम रखेंगे, चूँकि टमाटर पानी वाला है तो यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर देंगे और कुछ समय के लिए इसको भी पका लेंगे लगातार चलाते हुए। जब ये हल्का सा पानी इसका जल जाएगा, सूख जाएगा टमाटर का, फिर इसमें मसाले, सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मसालों में 1/4 स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया, उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया, 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड किया, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड किया और 1/2 चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड किया। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ हरा मिर्च भी ऐड कर देंगे, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो ही ऐड करें, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, स्किप कर सकते हैं हरी मिर्च। साथ ही ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए नमक, तो आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक ऐड कर दें। इन सबको अब अच्छे से मिला लेंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, चूँकि ये सूखे मसाले हैं, ड्राई है, तो यहाँ पे लो टू मीडियम रखें और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है लगातार चलाते हुए, और कम से कम 1-1.5 मिनट के लिए ऐसे ही चलाकर इसको पका लेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी यहाँ पर मैंने इसमें 1 गिलास ऐड किया। पानी मिलाने के बाद इसको हल्का सा चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे पानी और ये जो भी मसाले हमने डाले हैं पहले, प्याज टमाटर मसाला, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पानी के साथ, और फिर इसमें ग्रेट किया हुआ जो हमने ग्रेट करके रखे थे लौकी, उसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लौकी को और जो मसाले हमने पहले से इसमें पानी के साथ मिक्स किए हैं, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया,
और अब इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे धनिया पत्ता। तो फ्रेश बारीक कटा हुआ ढेर सारा धनिया पत्ता मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसको भी अब मिला लेंगे पानी के साथ जो, और लौकी के साथ, सब्जियों के साथ बहुत अच्छे से इस तरीके से मिलाने के बाद अब इसको ढक कर करीब 10 से 15 मिनट के लिए हमें पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। चूँकि लौकी कच्चा है तो थोड़ा टाइम देंगे पकने के लिए, तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और बीच में एक दो बार चला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ समय के बाद, करीब 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया तो ये बहुत अच्छे तरह से पक गई है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हल्का सा अभी पानी भी है, चूँकि लौकी भी पानी छोड़ता है, तो लौकी भी पानी छोड़ा है और ऑलरेडी हमने डाला भी था। तो आप यहाँ पे क्या करें, ये ऑलरेडी बन के तैयार है, ये गल गई है लौकी। तो आप चाहें अगर रस वाला रखना चाहते हैं, मसालेदार और रस्सेदार रखना चाहते हैं, तो ये सब्जी को यहीं पे स्विच ऑफ कर दें और सर्व कर लें। बट अगर सूखा करना चाहते हैं, सूखा बनाना चाहते हैं, तो इसको यहीं पे खुले में ही, इसको पानी को ड्राई कर लें खुले में ही, और बीच बीच में चलाते रहें, तो कुछ देर के बाद इस तरह से ड्राई बन जाता है। चूँकि मैं ड्राई बना रही हूँ, थोड़ा सूखा हमारे घर में पसंद किया जाता है, तो इस तरह से मैंने पानी को सूखा लिया, खुला कर दिया, हाई फ्लेम कर दिया, और बीच बीच में चलाते रहें, तो कुछ देर के बाद इस तरीके से ड्राई हो जाती है सब्ज़ी। तो यहाँ पे हमारा सब्जी बनके तैयार है। मैंने गैस को ऑफ कर दिया और इसको आप राइस के साथ, चपाती के साथ या पूड़ी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार ये ज़रूर ट्राई करिएगा, ये लच्छेदार लौकी की सब्जी। आई होप कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसे ही सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।